गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के करीब 7 बजे है और मेरी आँख खुल गई है, बहुत ही अच्छी नींद आई है मेरे को। अभी मैं मेरे टेंट में बैठा हूँ, मैं इसका जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने वीडियोस नहीं लिए थे और कल रात मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाया था, तो अभी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है वो पूरा माउंटेन एरिया है, तो मेरे टेंट से ऐसा व्यू आता है। और सेटअप की बात करें तो ये कंबल है और साइड में टूमन टेंट है, इसलिए बैग वगैरह रखता हूँ। और ये पिलो, ये नीचे मैट्रेस है, योगा मैट, उसके ऊपर मैंने बेडशीट लगाए हुए। और ऊपर है कैंपिंग लाइट जो कि रात के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये जो टेंट वगैरह हमने कल शाम को ही सेटअप कर लिया था, अभी रेनी एटमॉस्फेयर है नहीं तो हमने रेन कवर नहीं डाला था और हवा बहुत ही अच्छी थी। और ये जो देख रहे हैं वो पीछे पूरा माउंटेन एरिया है और ये हमने कार यहीं पर पार्क की है और ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे इस साइड धरोई डैम है जो कि अभी सन की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर आते हो तो आपको दिख रहा होगा पीछे जो वॉइस, जो बर्ड्स की वॉइस है, बहुत ही अच्छी होती है वो, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर आप ऐसे जंगल एरिया में कैंपिंग करते हो तो सुबह का जो वॉइस है उनका, वो बहुत ही आपको प्यारा लगता है। और वही वॉइस अगर आपको रात में सुनाई देता है तो वो थोड़ा सा डरावना होता है। तो ठीक है, चलो, एडवेंचर ही इसे कहते हैं। तो ये है कैंप साइट और कल रात को हमने जो खाना बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल रात को हमने यहीं पे खाना बनाया था और मैंने, जैसे कि आपको बताया कि कल रात मैंने यहीं पे वो बिच्छू देखा था। कल रात मैं यहीं पे 1 घंटा सो गया था और मेरे को मच्छर ने काट लिया था, तो ओडोमॉस कंपलसरी लगानी चाहिए। तो ये धरोई डैम है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तो व्यू देख लो आप, व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादातर कैंपिंग करने के लिए आता हूँ।